देश जब आजाद हुआ, गरीबी गुलामी की विरासत के रूप में मिली, लेकिन दशकों बीत जाने के बाद भी गरीबी ना मिटी। ग्रामीण भारत में पिछड़ापन, किसानों की दुर्दशा एक कुशल नेतृत्व की कमी का सीधा प्रमाण था। जहां जहां प्रयास हुआ, वहां वहां तस्वीर बदली। यही वो विश्वास था जिसने मात्र 7 सालों में देश के गांव की तस्वीर बदल दी। इसका आधार बना गुजरात के 13 साल का अनुभव। मंत्र था खेती के अलावा पशुपालन और गृह उद्योग को बढ़ावा। पहले महिलाओं की बेबसी और युवाओं के मुरझाए चेहरे दिखाई देते थे। गांव के गलियारों में सपनों के पूरा होने की कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आती थी। बड़े बड़े दावों और वादों के नारों के बीच जनता अपनी सरकारों को दशकों तक चुनती रही, लेकिन ढाक के वही 3 पार। शायद देश को गरीबी से मुक्ति दिलाने की इच्छा शक्ति राजनीति से जैसे कोसों दूर थी। लेकिन समय बदला और नए भारत का वक्त आया। राजनीति में सेवा, समर्पण और सुशासन की भावना ने विकास का नया ताना बाना बुना। हमारे गांव भारत के विकास और आत्मनिर्भरता के अहम केंद्र रहे हैं। पूज्य महात्मा गांधी जी कहते थे, आत्मनिर्भरता से मेरा अर्थ है ऐसे गांव जो अपनी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर हो। हमें नए नए अवसरों को, नई नई संभावनाओं को तलाशते हुए अपने गांवों को विकास के रास्ते पर आगे लेकर जाना है। गांधी के ग्राम सुराज को जमीनी स्तर पर लागू करने की शुरुआत हुई। इसको जमीन पर लाने का प्रयोग गुजरात के पुंसरी गांव में हुआ। राजस्थान सीमा से लगा बेहद ही पिछड़ा इलाका था गांव पुंसरी। इस गांव के युवा सरपंच हिमांशु पटेल ने गांव का कायाकल्प किया, लेकिन ये संभव हुआ उस मार्गदर्शन से जो गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री ने उन्हें दिया। विकास का ताना बना बुना युवा हिमांशु ने नरेंद्र भाई के सपनों को साकार करने के लिए, ये वो मॉडल है जो आज देश दुनिया के लिए मिसाल बन गया है। इस पुंसरी गांव के बाशिंदों के दिल में गांधी का गांव है, जिसे डिजिटल साकार किया युवा नेतृत्व ने। पीछे रही सेवा की भावना और समर्पण भरा प्रयास। यहां की सुविधाओं पर नजर डाली। गांव में सिटी बस, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम, बच्चों के लिए कंप्यूटर, आधुनिक सरकारी स्कूल, पंचायत का ऑफिस, डिजिटल राशन केंद्र, गोबर गैस प्लांट जो गांव की बिजली भी बनाता है। किसी विकसित शहर को भी पीछे छोड़ती नजर आती है ये कहानी। इस गांव को युवा सरपंच हिमांशु पटेल ने देश का पहला हाईटेक गांव बनाया। इस गांव ने राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता। नरेंद्र मोदी के विकास का ये वही ताना बाना था जिसे तब की केंद्र सरकार ने भी माना था। युवा हौसलों को बुलंद करने और गांवों के कायाकल्प की प्रेरणा कुछ खास थी, खुद मानते हैं हिमांशु। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने उन्हें पूरी छूट दी। राजनीति में सेवा और समर्पण का एक जीता जागता उदाहरण है आज के हमारे प्रधानमंत्री। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में खास करके ग्रामीण क्षेत्र में जो डिजिटल इंडिया का जो असर देखने को मिल रहा है, वो काफ़ी व्यापक प्रमाण में गांव के लोगों को सरलता प्रदान करता है। गांव के फार्मर की लैंड रिकॉर्ड हो या गांव में टेक्नोलॉजी का व्याप कैसे विस्तार किया जाए, कैसे स्कूल एजुकेशन में, प्राइमरी एजुकेशन में कैसे डिजिटलाइजेशन फॉर्म में लेके बच्चों के अंदर शिक्षा के स्वरूप में भी उसको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, ये सारी चीज़ें स्पेशली मेरे गांव में हुई। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में ये डिजिटल इंडिया की मूवमेंट से बहुत सारा फायदा भी देश को हुआ है, और देश के ग्रामीण क्षेत्र भी दिन प्रतिदिन इस टेक्नोलॉजी का निरंतर उपयोग करते हुए आगामी दिनों में भी गांव एक डिजिटल इंडिया मूवमेंट में जुड़ने की तैयारी में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी गांव को तकनीक से जोड़ रहे थे, विकास की सोच को जमीनी स्तर पर लागू करने का खाका खींच रहे थे।
उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था मजबूत की, दिन रात गांव के उद्धार में लग गए। उनकी मेहनत रंग लाई। नरेंद्र मोदी की जनसेवा और सतत प्रयास के चलते गुजरात का गांव चमक गया। 13 साल के कार्यकाल में गुजरात में खेती देश से 3 गुना बेहतर हो गई। निस्वार्थ सेवा और समर्पण का मूल मंत्र नरेंद्र भाई को एक डॉक्टर से मिला, उन्हीं के गांव वडनगर के डॉक्टर द्वारका दास जोशी से। डॉक्टर जोशी गांव के विकास को रोकने वाली दलीय स्थानिक राजनीति के कड़े आलोचक थे। उनका मानना था कि गांव में भोले भाले लोगों का देश बसता है, विकास के लिए नेताओं में राजनीति को छोड़ कुछ ठोस करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और यहीं से शुरू हुई पीएम मोदी की जनसेवा, समर्पण और सुशासन की प्रेरणा, जिसे नरेंद्र मोदी ने अपने जीवन का मूल मंत्र ही बना लिया। अभी नरेंद्र भाई और द्वारकादास भाई का संबंध गुरु शिष्य का ही पहले से ही रहा। उनके लिए बहुत आदर था, बहुत भावना थी। पिताजी को पूछा कि आप मेरे लिए क्या आदेश करते हो, मुझे क्या करना चाहिए गुजरात के लिए, ये सीएम होने के लिए नाते। तो पिताजी ने उनको इतना ही कहा कि तुम ग्राम स्वराज्य का नियम बना दो। एक संवेदनशील लोक सेवक तो मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे ही, राज्य की भरपूर सेवा भी कर रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपने नए मंच के लिए अपना समर्पण बड़ा कर लिया। अब उनका दायरा था भारत और देख रहा था पूरा विश्व। देश के लिए निस्वार्थ भाव से खुद का जीवन लगा दिया इस जननायक ने, लोक कल्याण के लिए खुद को बना दिया प्रधान सेवक। गुजरात का अनुभव देश के विकास का नया मॉडल बना। पीएम बनने के बाद संकल्प को सिद्धि बनाने में लग गए मोदी, क्योंकि उन्हें पता था कि किसी भी देश के विकास की नींव गांव के उद्धार में ही है। बीते 7 वर्षों में शुरू ही अनेक योजनाओं का लाभ करोड़ों गरीबों को उनके घर तक पहुंचा है। उज्ज्वला से लेकर आयुष्मान भारत की ये ताकत आज देश का हर गरीब जानता है। राजनीति में सक्रिय रूप से आने से पहले पीएम मोदी जनसेवा करते रहे थे। देश भर में 400 से ज्यादा जिलों में प्रवास कर चुके थे। उसी दौरान उन्होंने ग्रामीण जीवन की कठिनाइयों को गहराई से देखा और समझा, जिसका लाभ उन्हें मिला सरकार में निर्णय लेते वक्त। जब नरेंद्र मोदी को गुजरात की जिम्मेदारी मिली, उस वक्त गुजरात में बड़ी चुनौती थी। भुज के भूकंप से राज्य को उभारना था। आर्थिक और सामाजिक दोनों ही रूप से पीछे छूट गया था गुजरात, लेकिन उनकी दूरदर्शी योजनाओं, सेवा समर्पण और सुशासन के चलते धीरे धीरे बदलाव हुए। गुजरात में उनके पहले कार्यकाल के दौरान ही सकल घरेलू उत्पाद में 10% तक की बढ़ोतरी हुई, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। गुजरात में एकीकृत विकास के लिए नरेंद्र मोदी ने काम किया। पंचामृत, सुजलाम सुफलाम, कृषि महोत्सव, बेटी बचाओ, ज्योति ग्राम योजना, कर्मयोगी अभियान, चिरंजीवी स्वच्छ आग्रही और स्वागत इस एकीकृत योजना के आयाम बने। अलग अलग योजनाओं को एक दिशा में लागू करने का मंत्र रंग लाया। गुजरात की सफलता देश के लिए विकास का मॉडल बनी। जन सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले पीएम मोदी ने 2014 में देश की बागडोर अपने हाथों में ली। गुजरात के सुशासन का अनुभव देश में लागू हुआ। इसका जीता जागता उदाहरण है कर्नाटक का नवरत्न अग्रहारा गांव। इस गांव के चौराहे से खड़े होकर दूर दूर तक नजर डालिए, लगता है कि कोई गांव नहीं बल्कि पर्यटक स्थल है। पीएम मोदी के गांव को इंटरनेट से जोड़ने का सपना पूरा हुआ इस गांव में। इस गांव में लगे वाईफाई से दिखाई देता है गांव का सशक्त विकास। साफ सुथरी सड़कें, आधुनिक बस स्टैंड, वाटर प्यूरिफायर प्लांट और वेस्ट वाटर मैनेजमेंट सब है यहाँ। ग्राम स्वराज के साथ साथ आधुनिकता गांव की पहचान बन गई है।
अभी बहुत सारा पंचायत में, बहुत सारा ग्राम में और बहुत सारा अभी हमारा देश में बहुत सारा ग्राम विकास हो रहा है, क्योंकि बहुत सारा यंगस्टर्स पॉलिटिक्स में एंटर कर रहे हैं। हमारा ग्राम पंचायत का विशेषता क्या है, हम डिजिटलाइजेशन भी यूज़ कर रहे हैं और पूरा ग्राम पंचायत में CCTV अप्लाई किया हुआ है और फ्री वाईफाई दे रहे हैं पंचायत का ग्राम का सब लोगों के लिए। और हमारा स्वच्छता के लिए बहुत सारा प्रामिकत्व देकर रोज उनका घर का पास जाकर हम लोग ये ड्राई वेस्ट और वेस्ट का कलेक्शन भी कर रहे हैं। ये कहानी अब भारत के गांव-गांव में लिखी जा रही है। अच्छी शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य के लिए शहरों की तरफ पलायन अब रुक रहा है। पीएम मोदी ने शिक्षा नीति में बड़े बदलाव किए हैं। रोजगार परक शिक्षा अब गांव के स्कूलों को ही कौशल केंद्र के रूप में विकसित कर रही है। ग्रामीण युवाओं के सपनों को पूरा करने में स्किल केंद्र बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। गांव के इस प्राथमिक स्कूल में मौजूद डिजिटल लाइब्रेरी देखिए, लैपटॉप और टैब के जरिए पढ़ाई करते ये बच्चे। पीएम मोदी के नए भारत की तस्वीर दिख रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने गांव में मौजूद खेल प्रतिभाओं को भी मंच दिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलो इंडिया योजना के जरिए खेलने के अवसर मिले हैं। आज खेलों की दुनिया में देश एक अलग पहचान बना रहा है। देश भर के छोटे छोटे गांवों के युवा अब ओलंपिक में मेडल जीत रहे हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं। इन्हें देखकर करोड़ों अन्य युवाओं के मन में अब चैंपियन बनने की इच्छा जागने लगी है। आईटी दफ्तर की तरह दिखने वाला ये पंचायत भवन है। सरकार की किसी भी योजना की जानकारी यहाँ मिलती है। कोई भी काम अब गांव में बने जनसेवा केंद्र पर हो जाता है। किसी कॉर्पोरेट दफ्तर जैसा काम करने की प्रेरणा ले रहे हैं ये गांव के सुविधा और जनसेवा केंद्र। बदल रही है आंगनवाड़ी और बन रहे हैं वेलनेस सेंटर, आरोग्य केंद्र। गांव के विकास की इन तस्वीरों को देखकर प्रेरणा मिलती है। नए भारत में ग्रामीण लोगों के विकास का ये नया ताना बाना है। गांधी और पटेल के देश को मजबूत बना रहे हैं नरेंद्र मोदी। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के कैली गांव की भी कहानी खास है। समूह में मौजूद ये महिलाएं यूं ही खुश नजर नहीं आ रही हैं। इन्हें अब सम्मान से जीने का हक मिल गया है। अपने हस्तशिल्प की बदौलत ये अच्छी कमाई कर रही हैं। इनके गांव में पंचायत ने इन महिलाओं को सहकारिता आंदोलन का हिस्सा बना दिया। इन महिलाओं के पुरुषार्थ ने इनके गांव को आत्मनिर्भर बना दिया है। देखो गांव में तो ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन बहुत बहुत इस चीज के लिए तो हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, ये इन्होंने यहाँ पर बैठने के लिए स्थान किया है, बहुत अच्छा लगा। ये हमारे 11 महिलाएं जुड़ी हुई हैं इस समूह से। और जी जो सिलाई है, डेकोरेशन का सामान है, अपना ही करते हैं। लक्ष्मी हमारे ग्रुप का नाम है। बहुत अच्छा काम चल रहा है। पहले हम परेशान थे, अब बिल्कुल खुश। समूह में रहकर खुद का विकास, ये मंत्र है सहकार का। गांव और समाज को भी नई राह दिखाना, ये मकसद था सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जिन्होंने सहकारी आंदोलन का प्रयोग गुजरात में सफल बनाया। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल के सहकारी आंदोलन को रफ्तार दी। गुजरात का सहकारी आंदोलन तो दुनिया जानती थी। गुजरात के आनंद में मौजूद अमूल किसी परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन कैसे गुजरात के अमरेली जिले में सुदूर इलाकों के लोगों को सहकार मॉडल से जोड़ा गया, वो एक अलग कहानी है। आज यहाँ के किसान खाद भी बनाते हैं, पशु चारा भी बेचते हैं और खुद की कमाई तो कर ही रहे हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था ग्रामीण अंचल से मजबूत हो रहा है। सहकारिता की बात अगर भारत के प्रक्षेप्य करनी हो तो अमूल एक बहुत ही सक्सेसफुल सहकारिता का मॉडल है और एक आत्मनिर्भरता की तस्वीर है। देश ही नहीं दुनिया के लिए सहकारी समिति विकास का मॉडल है। ये दुनिया को प्रेरित कर रहा है। सहकार से समृद्धि के रास्ते पर गुजरात का अनुभव अब दुनिया भी जानना चाहती है। देश की एक एक पंचायत तक पहुंचे सहकारिता का मॉडल, ये सपना है पीएम मोदी का।
पीएम नरेंद्र मोदी अब देश को सहकार की खुशहाली के रास्ते पर ले चलने का प्रण बना चुके हैं। नए सहकारिता मंत्रालय का गठन इसलिए हुआ है, सहकार के जरिए लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की सोच जाग चुकी है। सहकारिता आंदोलन गांव-गांव तक पहुंचाने में मोदी सरकार लग गई है। सहकारवाद हमारी परंपरा, हमारी संस्कारों के भी अनुकूल है। कोऑपरेटिव ये सिर्फ कानून नियमों की जंजाल वाली एक व्यवस्था नहीं है, बल्कि कोऑपरेटिव एक स्पिरिट है, कोऑपरेटिव एक संस्कार है, एक कोऑपरेटिव एक सामूहिक चलने की मन प्रवृत्ति है। उनका सशक्तिकरण हो इसके लिए हमने अलग मंत्रालय बनाकर इस दिशा में कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वडनगर जैसे छोटे से गांव से संघर्ष शुरू किया था, गरीबी की नींव में तपकर आज विश्व मंच तक पहुंचे हैं, भारत की बुनियाद को मजबूत बनाया है। वो आज भी मानते हैं जीवन एक सीखने की सतत प्रक्रिया है। वो ये बात कहते हैं, आज भी वो बच्चों से, युवाओं से, ग्रामीण जीवन से प्रेरणा लेते हैं। तकनीक के नए विचार से जितना भी संभव हो सीखा जाए, इसी प्रयास में मोदी जी लगे रहते हैं। गाँव में जन सेवा से सहकारी आंदोलन की अलग पूरे देश में जले। बिहार जैसे पिछड़े राज्यों में गांव के लोगों को भी सहकार मिले, वहीं का युवा किस्मत लिखे विकास के इस नए ताने बाने का, जिसका नाम है सहकार। बिहार के पटना से 50 किलोमीटर दूर है मनेर गांव। यहां शोभा देवी, राजकुमारी, पार्वती जैसे गरीब महिलाएं एक समय खेती मजदूरी करती थी। फसलों की कटाई बुवाई के अलावा कोई काम धंधा इनके पास नहीं था। परिवार का पालन पोषण करना ही इनके लिए जीवन की सबसे बड़ी चुनौती थी, लेकिन पीएम मोदी के सहकार मॉडल ने समृद्धि की सोच का बीज बोया। बिहार के इन इलाकों में ये अलग जग चुकी है। अब ये महिलाएं मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ ले रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सहकारी आंदोलन रोजगार भी दे रहा है और स्वरोजगार का हौसला भी। किसानों, ग्रामीणों, कारीगरों, भूमिहीन मजदूरों की जिंदगी बदल रहा है। महिलाएं घर की आय बढ़ा रही हैं। समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों को भी रोजगार मिल रहा है। तकनीक के प्रयोग से गांव एक अच्छा उत्पादक बन रहा है। देश के विकास में ग्रामीण भारत भी अपना योगदान दे रहा है। सशक्त, मजबूत, आत्मनिर्भर और खुशहाल गाँव अब हकीकत बन रहे हैं। देश के गरीबों, ग्रामीण क्षेत्र और दूर दराज के इलाकों में भी भ्रष्टाचार कम हुआ है। डिजिटल क्रांति की शुरुआत हुई है। लोगों के खातों को आधार कार्ड और मोबाइल से जोड़कर दलाल और बिचौलियों का खात्मा हुआ है। भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंका गया है। आज 1.5 लाख से ज्यादा पंचायतों में ब्रॉडबैंड का जाल है। देश के गाँव में 3.5 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर भी है। इनसे लोगों का जीवन बदलता नजर आ रहा है। सस्ते और अच्छे मोबाइल आज हर ग्रामीण के हाथ में है, उन्हें सशक्त होने का एहसास दिला रहे हैं। ग्रामीण भारत में हर घर बिजली पहुंचाकर डिजिटल गांव की शुरुआत हुई। लोगों के जिंदगी से अंधेरे को दूर कर उजाला फैलाया गया। आजादी के 70 साल के बाद भी बल्ब की रोशनी नसीब नहीं थी एक बड़े ग्रामीण भारत को। पीएम मोदी ने एक ही फैसले से इन 18,000 गांवों में बिजली पहुंचाई। खंभे और चमकती तारों ने 85 लाख घरों के करोड़ों लोगों के जीवन में खुशियां भर दी। हमारी पहले लाइट नहीं थी, तो अब लाइट आ गई, तो हमारे बच्चे थे पहले दिन ही चलाते थे, दिन ही चला के तो मान तो बसर था वो नहीं हो रहा था। अब लाइट तो चल रही है, तो हमारे बच्चे भी थोड़ा पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई की तरफ ध्यान देंगे और माशाल्लाह तो ध्यान देके तो ये मुलाजिम बन सकते हैं, इनका सपना भी अच्छा होगा। बिजली आने से हमें बहुत फायदा हुआ। हमारे छोटे बच्चे जो स्कूल जाते थे ना, उस टाइम में जब टीचर उनको बोलते थे कि शाम को पढ़ाई करना, जब अंधेरे में दीने लगा जलाते थे, उस दीने जलाकर हमारे बच्चे पढ़ते थे, हमें बहुत दिक्कत आती थी। आज जब ये बिजली चली कि कुछ अरसे में इनने बिजली स्टोर कर दी, 1 साल में 2-3 महीने में इनने बिजली हमें चला कर दी। ग्रामीण भारत की महिलाओं को धुएं और मिट्टी के चूल्हों से आजादी दिलाई उज्ज्वला गैस योजना ने। इस योजना के माध्यम से गांव के कई लाख घरों तक एलपीजी के कनेक्शन मुफ्त दिए गए।
उज्ज्वला योजना से गैस पाया ना, अभी मैं दो घंटा में मेरा खाना खत्म हो जाता है, बना देती हूँ। फिर इसी के टाइम जो निकलते हैं ना, वो टाइम से मैं जाकर कुछ काम कम करके कमाती हूँ। वो काम ही मेरा सिले का दुकान है, वो ही इसे मैं अपना गुजरन मेटाती हूँ और मेरा दवाई खर्च वही ये करती हूँ। पहले हम लकड़ी के चूल्हे में जलाते थे, फिर उसमें धुआं निकलता था, फिर वो मुँह में जाता था, हम बच्चे को भी ध्यान नहीं दे पाते थे, तो इसलिए हमने अप्लाई किया उजाला हमको, तो अप्लाई करने से ये मिला। इसमें फ़ायदा ये है कि हम बच्चे को भी देख सकते हैं, हमें टाइम भी बचता है और धुआं भी नहीं निकलता है, हम जल्दी जल्दी से कुछ बना भी सकते हैं, उसमें धुआं भी नहीं निकलता है। इतना ही नहीं, पंचायतों ने गांव-गांव की सड़कों को पक्का किया, सोलर से जलने वाले स्ट्रीट लाइटें लगाई। अब शहरों में ही नहीं, गाँव की गलियों में नए भारत की कहानी है जो गाँव के युवा खुद लिख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेवा, समर्पण और सुशासन की दूरदर्शी सोच से देश जुड़ गया है। हर क्षेत्र में तकनीक को बढ़ावा देने की पहल है। दिन रात राष्ट्र और जन सेवा के लिए कार्य करने की इच्छा शक्ति एक प्रेरणा है युवाओं के लिए। कारण है, नया भारत अब अपने सपनों को पूरा करने का मन बना चुका है।